कर लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया गया है जिसे मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये इसका ए पॉइंट है और इसका ये बी पॉइंट है। पॉइंट ए वाले को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉइंट बी साइड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब हमें ये तो मालूम है कि इस कंडक्टर के अंदर जाहिर सी बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तभी हम बात कर रहे हैं ना कि इसे हम लोग कंडक्टर तभी कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इस कंडक्टर को बैटरी के साथ अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद ये होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि अब तक हम बात करते आ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि बैटरी के साथ जोड़ते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। और चूंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है एज अ रिएक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे जितने इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव साइड पे मूव करते हुए यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल के पास चले जाते हैं। अब ये बैटरी पे डिपेंड करता है कि बैटरी इन पॉजिटिव टर्मिनल को वो इतनी एनर्जी फ्राहम करे, इतनी एनर्जी इन्हें प्रोवाइड करे कि ये इस जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हुए हैं यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल पर वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते हुए दोबारा कंडक्टर के अंदर से फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक आए ताकि इस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर सके। अगर यहाँ पर बैटरी उतनी एनर्जी नहीं देगी इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए आगे तो करंट मज़ीद आगे नहीं गुजर सकता। तो इसका मतलब है जितनी एनर्जी ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को देगा कि वो अब इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करें तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि ये EMF एनर्जी है, ये EMF है बैटरी की। यानी कि हमें ये तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक मूव करती हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल तक आ गए हैं तो नेगेटिव से इन्हें यहाँ पर पॉजिटिव के पास चले जाना चाहिए, बल्कि ये जाते भी हैं। आगे से इस बैटरी पर डिपेंड करता है कि ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल पर आने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करे कि वो दोबारा कंडक्टर के अंदर से गुजर कर करंट को पास आउट जो है करंट को गुजरने के काबिल बना सके। तो जितनी एनर्जी ये बैटरी फ्राहम करती है या जितनी एनर्जी इस बैटरी को ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये EMF एनर्जी है। फर्ज कर लीजिए कि इस बैटरी को तकरीबन 2 जूल जो है एनर्जी रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से दोबारा कंडक्टर के अंदर भेजने के लिए या दोबारा इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक लाने के लिए, वो 2 जूल है। तो इसका मतलब है उस सिचुएशन में जो बैटरी की EMF है वो भी 2 जूल होगी। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमारी EMF वो एनर्जी है जो बैटरी प्रोवाइड करती है उन इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिव टर्मिनल पर होते हैं। बैटरी उन्हें वो एनर्जी देती है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से दोबारा मूव करके नेगेटिव टर्मिनल तक आएँ और करंट के फ्लो को जो है वो कैरी ऑन रखें, उसके फ्लो को जो है वो डिस्कनेक्ट ना करें बल्कि कनेक्ट ही रखें। अब फर्ज कर लीजिए कि ये आपके पास एक सेल है, ये एक सेल है और यहाँ पर इस तरीके से ये इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सेल के अंदर जिस तरीके से होता है ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पर EMF होती है। इसके बाद इसे हम लोगों ने जो है कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ, एक बैटरी नहीं बल्कि बैटरी तो हम लोगों ने लगा दी, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जो कि मेजर कर सके पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ से हम लोगों ने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से इसे भी कनेक्ट कर दिया, इसे भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्विच लगा दिया इस तरीके से और यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस आ गई। ये तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये जो है यहाँ पर सेल है या कोई भी सोर्स कह लीजिए, कोई भी सोर्स है उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये उस सोर्स के टर्मिनल है जिसकी EMF E है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है सर्किट की है जो कि कैपिटल R है। ये वोल्टमीटर इसलिए लगाया गया ताकि ये मेजर कर सके इस सर्किट में से गुजरने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को। अब ये देखा जाए कि ये रेजिस्टेंस R है, इसमें से I करंट पास करता चला जाएगा इस फॉर्म में। अब हम लोगों को ये मालूम है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितनी पावर प्रोड्यूस हुई है उतनी ही कंज्यूम्ड होनी चाहिए, या इस तरह से कह लीजिए कि पावर इनपुट जो है इनपुट बराबर होना चाहिए पावर आउटपुट के। बट ऐसा होता है नहीं, चूँकि हमें मालूम है कि अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में कवर किया पावर डिसिपेशन। यहाँ पर एक बैटरी की इंटरनल एनर्जी भी है, एक जो है सोर्स की इंटरनल एनर्जी भी है, और दूसरी हमारे सर्किट की भी एनर्जी वो जो है यहाँ पर हमारा जो सोर्स है उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और दूसरी बात कि हमारा जो सर्किट है उसकी भी एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो इन दोनों रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर पावर लॉसेस हो जाते हैं, पावर डिसिपेट हो जाती है, जिसकी वजह से पावर जो है कंजर्व नहीं रहती।
लेकिन फिर भी हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके देखते हैं कि पावर कितनी जो है डेसिपेट हो जाती है, या ईएमएफ का जो फॉर्मूला है इस केस में वो क्या बनता है। पावर इनपुट तो वही पावर होगी जो इस सोर्स की है, पावर ई इसे लिख लेते हैं क्योंकि इस सोर्स के पास हम लोगों ने ई का साइन दिया है, ईएमएफ लगाया, ईएमएफ जो है ई से रिप्रेजेंट की जाती है तो यहाँ पर भी ई लगा लिया। और ये जो ईएमएफ है इस सेल की, ये दो चीज़ों में कंज्यूम्ड हो जाती है, एक तो कुछ इस सर्किट इस सोर्स के अंदर कंज्यूम्ड हो जाती है और जो दूसरी है वो इस सर्किट की रेजिस्टेंस भी तो कंज्यूम करती है ना। तो यहाँ पर पावर आई इंटू आर और प्लस आई इंटू पी आई इंटू कैपिटल आर, ये आर हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस है और ये आर हमारे सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास जो पावर आउटपुट है वो इस तरीके से आ गई कि हमें मालूम है कि पावर को हम लोग वी इंटू आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में बेसिकली फ़र्क क्या है, लेकिन अब चूंकि हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं चूंकि ये सोर्स की है तो यहाँ पर हम लोगों ने ई इंटू आई लिख लिया। यहाँ पर जब ई इंटू आई आ जाएगा तो पावर आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई पावर आई इंटू कैपिटल आर, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी। तो पावर जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि ई इंटू आई है और दूसरा फार्मूला हमें पावर का मालूम है कि ये आई स्केयर इंटू आर है, तो क्यों ना यहाँ पर मैं वो फार्मूला लगा लूँ कि यहाँ पर आई स्केयर इंटू स्मॉल आर प्लस आई स्केयर इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पर जो पावर इनपुट है वो बराबर आ जाएगी पावर आउटपुट के। अब देखा जाए तो अगर मैं इस रिलेशन से आई कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आई इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर रह जाएगा और यहाँ पर ई आई, सर्किट में से गुजरने वाला करंट तो हर हाल में सेम रहेगा इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और ईएमएफ जो है इस सर्किट के लिए इस सोर्स के लिए वो आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर निकल आती है। अब ये जो हमारी ई है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं बैटरी की, अब ये जो हमारी ई है ई हमेशा हमारी बैटरी के वोल्टेज यानी इनके पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा बड़ी होती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। और ये वैसे नॉर्मल कंडीशन में हमारी ईएमएफ हमेशा हमारी बैटरी के वोल्टेज से या पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगी। और ये ई के इक्वल यानी ई और वी इक्वल की सिचुएशन में आते हैं जब तीन सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन ये कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स की वो ज़ीरो हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि स्मॉल आर, अगर वो ज़ीरो हो जाए यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दूँ तो ई इज़ इक्वल्स टू कैपिटल आई आर आ जाएगा। कैपिटल आई आर जो है ये वोल्टेज है बैटरी हमारे जो है पूरे सर्किट का वोल्टेज। इसे आप इस तरीके से देखें कि यहाँ पर जो है कैपिटल रेजिस्टेंस आर है इस सर्किट की, और इस सर्किट में से जब हमारे पास सर्किट की रेजिस्टेंस दी हो उसमें से करंट पास कर रहा हो तो हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके प्रोडक्ट से जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर आई और आ का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी भी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स की ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो है ई, अगर यहाँ पे मैं इसको ज़ीरो पुट करके ही दिखाऊंगा आपको, तो हमारे पास इस तरीके से आता है आई इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। ये चूँकि ज़ीरो हो गया है तो यहाँ पर आई आर का फैक्टर रह जाएगा, ये आई आर जो है ये वोल्टेज के बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ई एम एफ तो जो है हमारे पास कैपिटल ई है, ये ई एम एफ ऑफ द बैटरी है, तो ये ई एम एफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर जो है उस वक्त आएगी जब हमारे सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सर्किट में से पास करने वाला करंट अगर ज़ीरो हो जाए तो भी हमारी जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट के इक्वल आ जाएगी। ये किस तरीके से इक्वल आएगी, ये इस तरीके से इक्वल आएगी कि हमारी ईएमएफ जो है वो आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर के प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर सर्किट में से गुजरने वाला करंट में इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो सोर्स है, सिर्फ सोर्स के करंट की बात कर रही हूँ, तो सोर्स में से गुजरने वाला अगर करंट ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास आई आर आ जाती है, तो ई एम एफ ऑफ द बैटरी जो है वो आई इंटू आर जो कि वी के इक्वल है उसके बराबर आ जाती है। या तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है हमारी कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है जो कि सोर्स की, और कैपिटल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की, तो अगर कैपिटल रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटी हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी हमारा जो ईएमएफ है वो बराबर आ जाएगी हमारे वी के। अब आप इससे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि अगर आर जो है वो इन्फिनिटी है तो वी जो है वो ई के इक्वल कैसे आ सकता है। इस वाले फॉर्मूले पे अगर आप गौर करें तो आई इज़ इक्वल्स टू वी बाई आर है। हमने कहा कि हमने आर को जो है वो इन्फिनिटी कर दिया,
इसका मतलब है वी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हो तो इसका मतलब है वो चीज़ ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब है सेकंड में से पास करने वाला करंट जो सोर्स के अंदर से पास करेगा वो ज़ीरो हो गया। तो जब ये वाला करंट ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमारे पास आई इंटू आर का रिलेशनशिप बचता है इस इक्वेशन के थ्रू, तो वो जो है वो वी के इक्वल है। तो इस तरीके से जो हमारे पास है ये सारी की सारी कंडीशन बताती हैं कि किन कंडीशंस के अंदर हमारी ईएमएफ ऑफ द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाती है। और अगर तीसरा केस हमारे पास ये भी हो कि हमें बताना हो कि हमारी ईएमएफ जो है वो कम किस सिचुएशन में होगी बैटरी से, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो अगर ये हमें बताना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस से हमारी ईएमएफ किस वक्त कम होती है, तो ये उस वक्त कम होती है जब हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही हो, अभी चार्ज हुई नहीं हो बल्कि हो रही हो, तो उस सिचुएशन में हमारी जो ईएमएफ है बैटरी इज़ बीइंग चार्ज्ड, तो उस सिचुएशन में हमारी जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाती है। तो ये कुछ केसेस हैं कि हमारी ईएमएफ किस सिचुएशन में बैटरी के जो किस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है, किस कंडीशन के अंदर उससे कम होती है, और किस कंडीशन के अंदर हमारी ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से बढ़ी होती है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में जो बेसिकली डिफरेंस है, पहले तो इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं ना, इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ई एंड वी, यानी ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हमारी ईएमएफ है। ये हमारा सर्कट है इस तरीके से, ये मैं पहले सर्कट बना लूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। ये हमारा सोर्स है जैसे कि अभी हम लोगों ने इसे इस्तेमाल किया, और इस तरीके से हम लोगों ने इसे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर नहीं लगाया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। ये हमारी ई है, ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब है करंट की जो डायरेक्शन है वो इस सिचुएशन में जा रही है, यहाँ पर जो है करंट है, और हमारे पास जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में से कुछ करंट आई गुजर आया है, तो वी इज़ इक्वल्स टू आई आर, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब इनमें सिमिलैरिटी ये होती है कि ई और वी दोनों ही जो मेजर करते हैं वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को मेजर करते हैं, ये भी चीज़ दोनों में सेम है। दोनों के जो यूनिट्स हैं इनके यूनिट जो हैं वो भी वॉट है। दूसरी बात ये कि ये हमारी जो ई है ये ई हमारी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करती है, यानी कि इस तरह से लिख देना चाहिए कि ई जो है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल पावर, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर पी, जबकि आर जो है उसे डेसिपेट करती थी, आर डेसिपेटेड डेसिपेट्स पावर। ई जो है वो प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिकल पावर जबकि ये कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो पावर को डेसिपेट कर देगी। इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई की अक्रॉस प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोड्यूस ही ईएमएफ की वजह से होता है, जबकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्रॉप कर जाता है अक्रॉस आर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रॉप कर जाएगा अक्रॉस आर। तो इसका मतलब है कि हमारी ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस करती है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को, जो कि ड्रॉप हो जाता है या डेसिपेट हो जाता है अक्रॉस आर। हमारी इलेक्ट्रिकल पावर भी प्रोड्यूस होती है ईएमएफ की वजह से, और ईएमएफ जो है वो पावर को प्रोड्यूस करती है जबकि वो डिसिपेट हो जाती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही कहा था कि ईएमएफ वो एनर्जी है जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को देता है पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल तो आ जाते हैं और वो आते इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब जब वो एक नेगेटिव टर्मिनल तक आ गए हैं और यहाँ से पास करके पॉजिटिव टर्मिनल तक भी पहुँच गए हैं, अब ये ईएमएफ का ही काम है कि वो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके पूरे सर्किट में से पास करते हुए दोबारा नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाए। अगर ईएमएफ ही बैटरी के अंदर ना हो तो हमारे बैटरी के सर्किट के अंदर से करंट नहीं गुजर सकता। तो ईएमएफ जो है वही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करती है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास प्रोड्यूस होता है वी की फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये जो है ड्रॉप हो जाता है, या इसकी वैल्यू जो कम हो जाती है वो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ये ड्रॉप कर जाता है।
EMF जो है ये वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सर्किट में उस वक्त होता है जब कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, जबकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है ये उस वक्त होता है जब सोर्स में से कुछ मिकदार में करंट जो है पास कर रहा हो। बेसिकली हमें ये कहना चाहिए कि जो हमारे EMF है ये कॉज है और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इफेक्ट ऑफ EMF है। EMF के इफेक्ट की वजह से ही हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोड्यूस होता है। वोल्ट मीटर जो है, अगर वोल्ट मीटर को हम सर्किट में लगा लें तो वो EMF को उस वक्त मेजर करता है जब आपका सर्किट जो है वो ओपन होता है, और अगर वोल्ट मीटर को आप सर्किट में लगाएं और उस वक्त सर्किट क्लोज हो तो वो उस वक्त EMF नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो ये इनकी कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे कि आपस में किस तरह से मैच करते हैं, बल्कि डिफरेंसेस भी मैंने बता ही दिए, तो यहाँ पर डिफरेंसेस भी लिख लेते हैं या रेंज सीरीज की डिफरेंसेस। तो इस तरीके से इनमें कुछ जो है वो सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों ही जो हैं वो वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज हैं, दोनों के यूनिट वोल्ट होते हैं, और EMF जो है वो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करती है जबकि R की वजह से वो पावर डेसिपेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक EMF की वजह से जो है इस सोर्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है जबकि वो पोटेंशियल डिफरेंस इस R की वजह से जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस ड्रॉप कर जाता है। डिफरेंस में हमारे पास ये आ जाता है कि जो हमारी EMF है वो उस वक्त सोर्स में मेजर की जाती है जबकि कोई करंट इस सोर्स के अंदर से पास नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त जो बैटरी की EMF है उसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि EMF कहते हैं। और अगर हमारे पास कुछ करंट सम एक्सटेंड में कुछ मिकदार में करंट इस सोर्स से पास कर जाए तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको EMF, और दूसरी बात ये कि EMF जो है हमारे कॉज होती है और उसकी वजह से उसके इफेक्ट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अगर आप सर्किट में यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर लगा दें और सर्किट को ओपन रखें, स्विच क्लोज ना करें, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF होगी, और अगर सर्किट क्लोज हो तो वोल्ट मीटर मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस V को मेजर करेगा, EMF को मेजर नहीं करेगा। तो ये EMF है कि ये बैटरी में किस वक्त होती है और इसे हम लोग किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये इसका कुछ कंसेप्ट था जिसके बारे में हमने आज पढ़ा।